पोस्ट बॉक्स टिंटो ब्रास एडल्ट फिल्मों के डायरेक्टर टिंटो ब्रास की सच्ची कहानी है, जिसमें उसे कई महिलाएं चिट्ठी लिखती हैं और अपने असाधारण यवन अनुभवों के बारे में बतलाती हैं। इसमें से कुछ महिलाएं टिंटो ब्रास की फिल्मों में बतौर नायिका काम करने की उम्मीद भी रखती हैं, इसलिए उसके ऑफिस एड्रेस पर फोटोग्राफ और वीडियो कैसेट्स भी भेजती हैं। टिंटो ब्रास 80 और 90 के दशक के दौरान इटली में एडल्ट फिल्मों के डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर हुआ करते थे। उनकी कई फिल्में कहानी और दूसरे सिनेमैटिक मापदंडों के हिसाब से क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों के मुकाबले भी बेहतर हुआ करती थी। 90 के दशक में टिंटो ब्रास का नाम इतना पॉपुलर था कि कई मॉडल्स और एक्ट्रेस उसकी फिल्मों में काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और कई गृहिणियाँ ऐसी थी जो टिंटो ब्रास की फिल्मों में अपनी कहानी देखना चाहती थी, इसलिए उसके पते पर चिट्ठी लिखकर अपनी कहानियां बतलाया करती थी। टिंटो ब्रास के ऑफिस में इटली के कोने कोने से भेजी गई चिट्ठियों का तांता लगा रहता था। इस फिल्म में उन्हीं अंतरंग कहानियों को दिखलाया गया है। इस वीडियो में हम इन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियों को देखेंगे, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी हैं जिसे यूट्यूब में बतलाने पर संस्कारी यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो सकता है। वीडियो के टाइटल में टिंटो ब्रास का नाम लिखने मात्र से ही वीडियो एड सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया फेल कर जाती है, इसलिए यहाँ मैं सारी कहानियों के बजाय केवल कुछ कहानियों को ही एक्सप्लेन करूंगा, वो भी फुल्ली सेंसर मोड में। टिंटो ब्रास की सेक्रेटरी उसे केवल महिलाओं के द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़ने के लिए देती है, क्योंकि टिंटो ब्रास मर्दों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को डस्टबिन में फेंकवा देता है। उसे केवल लेडीज की कहानियों में रुचि है। ये चिट्ठी एलिना नाम की एक लड़की ने उसे लिखी है, जो 28 साल की है। उसकी शादी गुइडो नाम के एक आदमी से हुई है। शादी के 6 साल बीत चुके हैं। इन 6 सालों में उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों पहले एलिना की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी सामान्य दिखने वाली जिंदगी में उथल पुथल मच गई। गुइडो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। उसकी सैलरी ठीक ठाक है और घर का खर्च चल जाता है, पर इतने पैसों में एलिना वैसी जिंदगी नहीं जी पा रही है जैसा वो जीने की उम्मीद करती थी, इसलिए वो घर को सपोर्ट करने के लिए खुद भी काम करना चाहती है। पर गुइडो को उसका काम करना पसंद नहीं है और चाहता है कि एलिना एक हाउसवाइफ का फर्ज अदा करे, और जब गुइडो थक हार कर काम से घर वापस आए तो एलिना उसका ख्याल रखे, उसे आराम दे। लेकिन एलिना स्वावलंबी बनना चाहती है। वो काम करके अपने लिए एक छोटी सी कार खरीदना चाहती है जिससे कि वो शान से बाजार जा सके। एक दिन जब गुइडो काम के बाद घर आता है और सिगरेट पीने के लिए माचिस ढूंढने के क्रम में एलिना के पर्स में देखता है, तब उसे एलिना के पर्स में एक कॉन्डम मिलता है। चूंकि गुइडो खुद कभी कॉन्डम यूज नहीं करता है और इस तरह के टोटके के बिल्कुल खिलाफ है, एलिना के पर्स में कॉन्डम देखकर सदमे में चला जाता है। वो गुस्से में भी है और एलिना से जानना चाहता है कि उसके पास कॉन्डम क्यों है और कहां से आया है। उसे अब अपनी पत्नी पर शक होने लगा है कि कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं है। आजकल वो अक्सर घर से बाहर भी रहा करती है और काफी समय फोन पर भी बिताती है। तब एलिना उसे एक्सप्लेन करती है कि वो फोन पर अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करती है, जो काउंटेस फ्रांसिया नाम की एक जगह पर काम करती है, और एलिना अक्सर उसी से मिलने भी जाया करती है। वो बतलाती है कि ये कॉन्डम उसे स्कूल के कुछ बच्चों ने दिया है। वे एड्स अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे। हर कोई जो उन्हें पैसा डोनेट कर रहा था, स्कूल के बच्चे उसे एक कॉन्डम दे रहे थे ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके। ये कहकर एलिना अपने पति गुइडो को मना लेती है, पर असल में बात ऐसी नहीं है। एलिना ने एक कंसल्टेंसी कंपनी ज्वाइन की है जिसका असली काम कंसल्टेशन के बजाय वैश्यवृत्ति है। असल में वो एक कॉल गर्ल बन चुकी है और अपने पति से छुप कर ये काम किया करती है। वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है और जल्द ही कार खरीदने का अपना सपना भी पूरा कर लेगी। वो जिन लड़कियों के साथ काम करती है वे शादी के बाद ये काम छोड़ने की बात करती हैं, पर एलिना जानती है कि ऐसा संभव नहीं है। इस काम की वजह से पैसों की उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। वो इंडिपेंडेंट है, अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर सकती है और किसी भी हाल में अब इस काम को नहीं छोड़ना चाहती है। शादी के बाद वैश्यवृत्ति छूट जाए ऐसा संभव नहीं है। उसने तो ये काम शादी करने के 6 साल बाद शुरू किया है। शादी के बाद जरूरतें बढ़ती हैं और इसे छोड़ना मुश्किल है। एक दिन काउंटेस फ्रांसिया या उनके होर हाउस में एक नया कस्टमर आता है। जब एलिना उस नए कस्टमर को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आदमी
उसका सक्की पति गुइडो है, पर सौभाग्य है कि गुइडो ढेरों लड़कियों के बीच एलिना को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि एलिना ने ढेर सारा मेकअप लगाया है और उसके बाल के कलर और हेयर स्टाइल भी अलग हैं। लेकिन जब लड़कियों को कस्टमर के सामने लाइन में खड़ा किया जाता है तो ढेरों लड़कियों के बीच गुइडो एलिना को ही चुनता है। एलिना घबराई हुई है कि अब उसकी खैर नहीं है। कमरे में जाने पर उसका पति उसकी खाल उधेड़ देगा और कार खरीदने का सारा शौक सब निकाल देगा। तब एलिना घबराते हुए कमरे में जाती है। उसे घबराता हुआ देख गुइडो उससे कहता है कि क्या वो इस धंधे में नई नई आई है। वो उसे अपना नाम कार्ल बतलाता है और कहता है कि वो भी पहली बार किसी प्रोस्टिट्यूट के पास आया है। शायद गुइडो ने सच में एलिना को नहीं पहचाना, शायद मेकअप और हेयर स्टाइल की वजह से वो अलग ही लग रही हो। एलिना डरते डरते ही सही उससे किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह ही पेश आती है और हर तरह से उसकी ख्वाहिश पूरी करती है। तब एलिना को लगता है कि शायद गुइडो यहाँ होर हाउस में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता है, इसलिए उसे नहीं पहचाने का नाटक कर रहा है। पर घर जाने पर वो उसे मार मार कर पैसे कमाने का उसका सारा खुमार उतार देगा। लेकिन घर में भी गुइडो का रवैया पहले जैसा ही है, जैसे होर हाउस में उसने अपनी पत्नी को पहचाना ही ना हो, उसे पता ही ना हो कि उसकी पत्नी एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। वो उससे नॉर्मली पेश आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद भी गुइडो कई बार होर हाउस गया और हर बार ढेरों लड़कियों के बीच एलिना को ही चुना। वो उससे किसी कस्टमर की तरह मिलता है और उसे एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही ट्रीट करता है। लेकिन घर आने पर इस बारे में कोई बात नहीं करता है, वो उससे वैसा ही पेश आता है जैसे पहले पेश आया करता था। ऐसा हो ही नहीं सकता है।